Hey everyone, welcome back in this new video lecture. So this is the part second of the history of Kashmir, and continue करेंगे history of Kashmir को. और ये जो आप देख रहे हैं आज से हम okay. Hey everyone, welcome back. So guys, this is the part second of the history of Kashmir. और आज हम कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को. सो लास्ट वीडियो में हमने हंस तक डायनेस्टी तक पढ़ा था और आज हम कंटिन्यू करेंगे. सो आज हम बात करेंगे किंग्स, आज हम बात करेंगे उज्जैन डायनेस्टी की, ठीक है. सो जितने भी किंग रहे हैं उज्जैन डायनेस्टी में वो हम पढ़ेंगे इसमें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है. देखिए, कहता है कि युधिष्ठिर के बाद जो जिन्होंने कश्मीर में यू नो एज अ किंग जो आए वो थे प्रतापादित्य, ठीक है. तो युधिष्ठिर के बाद प्रतापादित्य किंग बने. और प्रतापादित्य कौन थे? ये हर्ष विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन के रिलेशन में थे और इनको ऑफर किया गया था, ठीक है. फाइनली उसके बाद फाइव किंग्स जो थे लाइन में, पांच राजाओं ने रूल किया उस टाइम पे. और इसके बाद मतलब आफ्टर जयेंद्रा जो थे, जयेंद्रा के बाद ये जो डायनेस्टी थी ये सक्सीड की उनके मिनिस्टर ने, और जिनके उनका उनका नाम था समधिमति, ठीक है. तो समधिमति ने एक टाइटल को एज्यूम किया था, उनको एक टाइटल मिला था. वो टाइटल क्या था? आर्याजय. ओके, सो अकॉर्डिंग टू कल्हाना के अनुसार समधिमति जो थे वो बेसिकली शिवा के भक्त थे और उन्होंने शिविज्म को प्रमोट किया. तो फाइनली उन्होंने वॉलंटरली क्या किया कि जितना भी ये जो राजपाट था इसको त्याग किया और ही बिकम अ सेज गन से. ओके, सो उज्जैन के बाद फिर से गोनंदा फैमिली जो थी वो पावर में आई, ठीक है. और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि करकोटा डायनेस्टी के एडवेंट, मतलब उसकी शुरुआत से पहले गोनंदा डायनेस्टी जो थी वो पावर में आई. और इसमें इस मतलब जब इन्होंने ये पावर में आई तो बेसिकली दो ही राजा थे जो नोटेबल थे, प्रोमिनेंट थे उस टाइम पे. और वो कौन कौन से थे? एक थे मेघावना और एक थे प्रवरसेन, ठीक है. मेघावना जो थे वो ग्रेट ग्रैंड सन थे युधिष्ठिर के, और जो कि इन्फ्लुएंस थे किससे? बुद्धिज्म थे. और इसी के तहत उन्होंने बहुत सारे बिहार मतलब बिल्ड की. उसके बाद वो मतलब अहिंसा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. और फिर उसके बाद उन्होंने एनिमल स्लेटरिंग, मतलब ये जितने भी सेक्रीफाइसेस करते हैं ना एनिमल्स के, इन्होंने इन सब चीज़ों को बंद किया. ओके, सो उसके बाद उनकी जो चीफ क्यून थी अमृत प्रवाह, उन्होंने अमृत भवन को मतलब बिल्ड किया उस टाइम पे. और फाइनली मेघावना जो थे वो सक्सीड किए गए श्रीस्तैना द्वारा. और उसके जो कि उनके फिर उसके बाद श्रीस्तैना के बाद उनके बड़े बेटे जो थे हिराना वो गद्दी पे आए, ठीक है. तो फाइनली इसी तरह से जो प्रोसेस था वो चलता रहा. और उसके बाद जो कश्मीर का जो मतलब जो गद्दी थी वो ऑक्यूपाइड की गई विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन इन्होंने. एंड ही वाज अ वेरी काइंड रूलर, बहुत ही काइंड रूलर था. और इसने फिर कश्मीर में मतलब पीस और मतलब एक पीसफुल एक गुडविल मतलब लोगों की जीती और उसको एक रहने लायक एक खूबसूरत राज्य जो था वो बनाया. एंड आफ्टर रूलिंग फॉर द फाइव ईयर, पाँच साल रूल करने के बाद उसने प्रवर सेना जो कि उसका बेटा था उसके लिए उसने अपना जो राजपाट था वो त्याग कर दिया, ठीक है. और फाइनली आज के टाइम पे जो सिटी है श्रीनगर सिटी है वो बेसिकली प्रवर सेना ने फाउंड की है, ठीक है. क्योंकि श्रीनगर जो नाम है बेसिकली उनका जो मतलब ये पुराना नाम जो है प्रवर सेनगर जो था ये नाम था श्रीनगर का. ओके, तो प्रवर सेना ने ऑलमोस्ट 60 इयर्स तक रूल किया. उसके बाद युधिष्ठिर सेकेंड, राणा आदित्य, बालादित्य, ये बहुत सारे आए, ठीक है. और बालादित्य जो थे वो एक लास्ट रूलर थे गोनंदा डायनेस्टी के. ओके, सो ये सारी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट. देखिए, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप टेंशन ना लो, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा, ठीक है. अगर थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा है तो लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ. और आप सुन लो, क्योंकि अगर आप सुन लोगे लास्ट में पढ़ने में मज़ा आएगा.
और लास्ट एंड में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये भी पता लग सके कि एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाएंगे। ओके, सो लास्ट उज्जैन हो गया हमारा, ठीक है। अब बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी की। कश्मीर हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जो है वो है करकोटा डायनेस्टी, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। करकोटा डायनेस्टी जिसको नागा डायनेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसके दुर्लभ वर्धना जो कि इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ठीक है। और ये जो डायनेस्टी थी इसकी शुरुआत कब हुई थी, 625 AD से लेके 661 मतलब 661 AD तक इनका जो टाइम पीरियड वो चला, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ह्यून सेंग जो थे, जो कि चाइनीज पिलग्रिम था, वो विजिट उन्होंने विजिट किया था हमारी कंट्री में जब इनका रूल था, ठीक है। किनका रूल था, दुर्लभवर्धना का रूल था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ह्यून सेंग की कब, मतलब वो जो ह्यून सेंग आया उस टाइम पे किनका रूल चल रहा था। और दुर्लभादित्य के बाद प्रतापादित्य जो कि बेटा थे दुर्लभादित्य के, ये पावर में आए। उसके बाद चंद्रापीडा ये पावर में आए, 711 से लेकर 719 AD तक इन्होंने काम किया। ये बहुत ही काइंड रूलर थे, ठीक है। चंद्रपीड़ा के बाद तारापीड़ा आए, लेकिन ये बहुत ही क्रूल टाइप का किंग था, ठीक है। तारापीड़ा के बाद मुक्तापीड़ा आए और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 724 AD से लेकर 760 AD तक इन्होंने रूल किया। अब इनका टाइम पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करकोटा डायनेस्टी में सबसे ग्रेटेस्ट किंग ये थे, ठीक है। और बेसिकली इनको ललित आदित्य भी कहा जाता था। ओके, तो मुक्तापीडा जो थे बेसिकली ये एक बहुत खतरनाक योद्धा थे। इन्होंने पंजाब, कनौज, तभी तिब्बत, ठीक है, मतलब जितने भी नियर बाय डायनेस्टीज थी इन्होंने सबको जीत लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मतांड जो टेम्पल है, फेमस टेम्पल, उसको बिल्ड किया और डेडिकेट किया सूर्यदेव को, ठीक है। उसके बाद मतलब ये बहुत ही बड़े योद्धा कह लो आप, ग्रेट बिल्डर कह लो, और पीपल लविंग पर्सनैलिटी थे, लोगों से प्यार करने वाले लोग थे, ठीक है। और उसके बाद मुक्तापीड़ा के बाद मतलब ललित आदित्य के बाद जयपीड़ा जो कि ग्रैंडसन थे किनके, ललित आदित्य के, वो गद्दी पे आए। और आप लोग ऐसा कह सकते हो कि ये सिर्फ उसके बाद मतलब ललित आदित्य के बाद यही एक ऐसे कैपेबल रूलर थे इस डायनेस्टी के, ठीक है। और ही बिल्ट अ सिटी, इन्होंने जयपुरा और अंदरकोट फोर्ट जो है वो बिल्ड किया। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू कल्हाना ही वॉज अ मैन ऑफ लर्निंग एंड वॉरियर एट द सेम टाइम, मतलब कल्हाना के अकॉर्डिंगली ये एक ऐसा इंसान था जिसे जो एक योद्धा होने के साथ साथ मतलब सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। सो करकोटा डायनेस्टी के बाद हम बात करेंगे उत्पाला डायनेस्टी की। ओके, सो उत्पाला डायनेस्टी का जो स्टार्टिंग पीरियड था वो था 855 AD से लेकर 939 AD तक इनका जो शासन पीरियड था वो चला। ओके, सो इसके जो पहले राजा थे बेसिकली इनके फाउंडर, उत्पाला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे अवंती वर्मन। और अवंती वर्मन को बेसिकली याद किया जाता है इनकी जो वंडरफुल प्रोग्रेस जो थी वैली में, वो थी बेसिकली इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है, अपने पीरियड में, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब वहाँ के जो इंजीनियर्स थे, जो साधु इंजीनियर्स थे जिन्हें सोया कहा जाता था, बेसिकली उन्होंने फाउंड किया था सोपुर को, ठीक है। बेसिकली उस टाइम पे नाम क्या था इसका, सोयापुर था, और जो आज के टाइम पे जिसको सोपुर कहा जाता है। तो अवंती वर्मन की डेथ जो हुई थी वो थी जून 883 AD में नियर द श्राइन ऑफ जयसिस्वरा एट त्रिपुर। ओके, तो अवंती वर्मन के बाद उनके बेटे थे शक्ति वर्मन, वो गद्दी पे बैठे। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए, मतलब बहुत निगरानी करने के लिए, यू कैन से उन्होंने बहुत सारे अपने साउथ नॉर्थ में अपने मतलब अपने किंगडम में देखने के लिए कि किस तरह से माहौल है वो चला। लेकिन हुआ क्या है कि उसके बाद क्या हुआ, उनके जो राज्य था उनके जो स्टेट में बहुत सारी एक्सटेंशन जो थी वो होना शुरू हो गई, मतलब लोगों से पैसा वगैरह लूटना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। और इस चीज़ के चलते मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने एक यू कैन से कि एक स्पेशल ऑफिस जो था वो क्रिएट किया जिसका नाम रखा गया गृह रीतिया, ठीक है।
तो ये एक उन्होंने एक इस पर्पस को रोकने के लिए, इस गंदी चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने स्पेशल ऑफिस का ये तो बिल्डअप किया। और उसके बाद मतलब जो चीज़ें थी, मतलब शंकर वर्मन जो थे उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया बेसिकली एक हजारा हजारा एरिया में जो कि उरी के पास है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 904 AD में, ठीक है, आफ्टर शक्ति वर्मन। उनकी जो वाइफ थी सुगंधा वो गद्दी पे बैठे, बट जल्द ही उनको भी डिस्पोज कर दिया गया। और जो लास्ट रूलर था उत्पाला डायनेस्टी का वो थे सूर्य वर्मा। और हुआ क्या कि इनको उनको तो ऐसे भगा दिया उसके कमांडर इन चीफ ने, ठीक है। और कब भगाया था, 939 AD में। और इसके साथ मतलब इसके बाद क्या हुआ कि एक काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स की बैठी और उन्होंने जशकरा देवा को गद्दी पे बैठाया, और इसी के साथ उत्पाला डायनेस्टी का एंड हो गया। ओके, सो नेक्स्ट बात आती है ब्राह्मणिक रूल की, ठीक है। तो इनका ब्राह्मणिक रूल जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 939 AD से लेके 940 तक चला। ओके, तो जो ब्राह्मण किंग थे जशकरा देवा, उन्होंने कश्मीर में रूल किया फॉर अप टू 5 9 ईयर। और उनके टाइम पीरियड के दौरान कंट्री में बहुत पीस था, लोग एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब लोगों को एक राहत मिली थी सिविल वार, इंटरनल ट्रबल्स, इन सब चीज़ों से, मतलब जो वो सफ़र कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, इस टाइम पीरियड के दौरान उनको उस चीज़ से राहत मिली, ठीक है। बट हुआ क्या कि जशकरा देवा के बाद, उनके उनके रिजीन के बाद, उनकी डेथ के बाद जो कंट्री थी वो फिर से उसी मतलब हालात में चली गई जैसे वो थे, ठीक है। और उसके बाद जशकरा देवा के बाद उनका बेटे जो थे संग्राम वो गद्दी पे बैठे। बट फाइनली हुआ क्या कि उनका मर्डर कर दिया गया। और मर्डर किसने किया था, एक पावरफुल और स्कीमी मिनिस्टर थे प्रभु गुप्ता, उन्होंने किया था, ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ, ब्राह्मणिक रूल जो था वो एंड हुआ और गुप्ता डायनेस्टी जो थी वो स्टार्ट हो गई। और गुप्ता डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 948 से लेके 1003 AD तक जो था वो रहा। और जैसे कि मैंने बताया, इस डायनेस्टी की जो शुरुआत की थी वो की थी प्रभु गुप्ता ने। और फाइनली बेसिकली वो एक एक क्लर्क था, एक लोअर लेवल क्लर्क था, बट संग्राम का मर्डर करवा के वो खुद जो था वो राजा बन गया और गद्दी पे बैठ गया। ओके, उसने अराउंड 2 साल तक रूल किया। और बट उसके टाइम पीरियड के दौरान, उसके पीरियड के दौरान लोगों में बहुत लोग बहुत ओप्रेस थे और उस टाइम पे मतलब वो जो लूट पाट हो गई या इंटरनल ट्रबल्स जो थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे, उन इन सब चीज़ों से लोग बहुत जूझ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। ओके, तो प्रभु गुप्ता जो थे बेसिकली उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 950 AD में। और उसके बाद उनके बेटे श्याम गुप्ता जो थे वो गद्दी पे बैठे, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी ने ऑलमोस्ट 50 साल तक रूल किया। और प्रभु गुप्ता जो थे वो सक्सीड किए गए श्यामा गुप्ता द्वारा, जिन्होंने रूल किया 950 AD से लेकर 958 AD तक। और श्यामा गुप्ता बेसिकली इन्होंने मैरिज की डीडा के साथ, जो कि बेटी थी किसके, समराजा की, मतलब ये इनका नाम है। और देखो होता क्या है यार कि इंग्लिश में जो भी वर्ड देखोगे ना आप, मतलब अगर किसी का नाम है तो लास्ट में ये लगा देते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो श्याम राजा थे और ये राजा किसके थे, लाहौर डायनेस्टी के थे, ठीक है। इनकी बेटी के साथ इन्हें शादी की। और उसके बाद क्या हुआ कि डीडा जो थी वो बड़ी तेज थी। और फाइनली जो श्यामा गुप्ता जो थे वो बेसिक एक सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गए थे उसके हाथों की, ठीक है। और इसी के साथ साथ उनको एक निक नेम भी दिया गया था, डीड खेमा। ओके, तो डीडा रानी जो कि बेटी थी श्याम राजा की, जो कि लाहौरा लोहारा किंग थे, ठीक है। और फिर उसने क्या किया कि उसने मतलब जब वो रानी बनी उसकी, तो उसके साथ मतलब बंदा जो था जो रियल किंग था वो तो मतलब जैसा उसकी रानी बोलती थी वैसे कहता था। तो फाइनली हुआ क्या कि उसकी डेथ के बाद उनका जो बेटा था अभिमन्यु वो छोटा था अभी, तो फिर जो रानी थी ये फुल फ्लेज पावर में आ गई, ठीक है। और जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो वो बैठा गद्दी पे। और फाइनली वो कब बैठा था, 958 से लेकर 972 AD तक मतलब रहा।
और उसकी अभिमन्यु की डेथ के बाद, मतलब उसके बेटे की डेथ के बाद, उसकी डेथ हुई थी 972 में, उसकी डेथ के बाद ये फिर गद्दी पे आ गई, ठीक है। और इनके ग्रैंडसन थे एक्चुअली डीडा के, जो थे नंदी गुप्ता हो गया आपका, त्रिभुवना गुप्ता हो गया, जब भीम गुप्ता हो गया, ये उनके ग्रैंडसन थे। तो इसने क्या किया कि हर एक को बारी बारी से मार दिया और फिर फाइनली पूरी फुल फ्लेज पावर के साथ रानी बन गई किंग अपने किंगडम की, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब इसकी डेथ हो गई, इस रानी की डेथ हो गई, तो इसका जो बेटे का मतलब इसके ब्रदर का जो बेटा था संग्राम राजा, वो राजा बना, ठीक है। मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ क्यून, जो ब्रदर था इसके भाई का, जो बेटा था संग्राम राजा, वो राजा बना। और फाइनली फिर क्या हुआ, मतलब ये जो डायनेस्टी थी ये ख़त्म हुई और लाहौरा डायनेस्टी जो थी वो शुरुआत हुई इसकी। ओके सो अब हम बात करेंगे लाहौरा डायनेस्टी की। और लाहौरा डायनेस्टी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1003 AD से लेकर 1171 AD तक रहे, और ऑलमोस्ट 14 राजाओं ने इस पे मतलब इनके जो टाइम पीरियड में 14 किंग थे जिन्होंने राज किया, और जिनमें से नोटेबल किंग, प्रोमिनेंट किंग आप लोग कह सकते हैं, वो थे कलाशा, हर्षा, सुशाला, जयसीमा, ठीक है। और इन्हीं के रजीन में, मतलब इन्हीं के टाइम पीरियड में कलखाना ने राज तरंगिणी को लिखा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके सो अब उत्पाला डायनेस्टी के बाद क्या हुआ कि जो कश्मीर की जो हिस्ट्री थी ना, बेसिकली कश्मीर का जो टाइम था वो विनाश की तरफ चला गया, ठीक है। और हुआ क्या कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्ता कुला देयर वाज थिक, मतलब उसके बाद इतनी यू कैन से लूटपाट, मर्डर्स, पॉलिटिकल मर्डर्स हो गए या पॉलिटिकल ट्रबल्स हो गए, वो शुरू हो गई, सिविल वार शुरू हो गए, ठीक है, किंगडम में। और मतलब पूरा जो किंगडम था कश्मीर का वो वर्चुअली मतलब रिड्यूस होके एक माइनर प्रिंसिपलिटी जैसा बन गया उस टाइम पे, ठीक है। और कहते हैं कि जो 3 सेंचुरी ऑफ द रजीन ऑफ द टू लाहौरा डायनेस्टी कंपोज अ पीरियड ऑफ पिटीकोट, मतलब पहले जो 3 सेंचुरीज थी, फर्स्ट 3 सेंचुरीज थी लाहौरा डायनेस्टी की, वो यू कैन से जस्ट लाइक अ इतनी बुरी हालत थी कि नो वर्ड टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि इट वॉज द ओनली किंग हर्षा, द लास्ट किंग ऑफ फर्स्ट डायनेस्टी, मतलब लास्ट किंग जो था फर्स्ट लाहौरा डायनेस्टी का। अब कैसे लाहौरा डायनेस्टी का फर्स्ट किंग क्या, सेकेंड क्या, मैं बताता हूँ अभी। लेकिन अब इतना समझ लो कि लास्ट किंग कौन था फर्स्ट लाहौरा डायनेस्टी का, वो थे हर्षा। तो बेसिकली ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, ऐसी स्ट्राइकिंग पर्सनैलिटी थी जिसने मतलब ट्रेजरी का जितना भी पैसा था ना, वो अपनी लग्जरी लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। मतलब मतलब इसके शो कुछ ऐसे थे कि इसने जितना भी पैसा था इसके रॉयल ट्रेजरी में, वो सारा वेस्ट कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हर्षा वॉज डिस्प्लेस्ड बाय हिज ब्रदर, ठीक है। हर्षा हर्षा के बाद कौन आए, उनके ब्रदर आए उचाला। और बेसिकली क्या हुआ थे कि एक दमार्स थे जो कि फ्यूडल लैंडलॉर्ड थे, उनकी हेल्प की वजह से हर्षा जो थे वो वो डिस्प्लेस हो गए, और उनके ब्रदर थे जो उचाला, वो एज अ किंग जो थे वो आए। ओके सो फाइनली उचाला जो थे वो बिलोंग करते थे अनदर लाइन ऑफ लाहौर डायनेस्टी, ठीक है। यू कैन से मे बी वो उसका कजन ब्रदर हो, ठीक है। तो मतलब वो जो उचाला थे वो एक अनदर लाइन ऑफ लाहौर डायनेस्टी बिलोंग करते थे, तो दैट्स वाई सेकेंड लाहौर डायनेस्टी जो थी वो स्टार्ट हुई, ठीक है। सो इस बंदे ने सेकेंड लाहौर डायनेस्टी को फाउंड किया, ठीक है। बट हुआ क्या उसके बाद कि कुछ देशद्रोहियों ने इनको मार दिया, और मतलब 18 AD, 11/11 AD में, सॉरी 8 दिसंबर 11/11 AD में इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद इनके जो ब्रदर थे सुशाल्स वो गद्दी पे आए, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो डेट्स लिखी होती है ना ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये डेट को कुछ पता भी नहीं होता कि ये सही है भी है या गलत है, ठीक है। इसलिए इनकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो उसके बाद मतलब जो भी राइट्स थे, पैलेस राइट्स थे, वो सब कुछ कंटिन्यू रहा इनके जयसीमा जो कि बेटे थे सुशीला के, ठीक है, वो कंटिन्यू रहा इसमें।
और इसी टाइम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कल्हाना ने राज रंगिनी को लिखा, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, ठीक है। और अब मेन चीज़ आती है, हम इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में करें तो वो संग्रामा के टाइम पीरियड में, मतलब संग्राम के टाइम पीरियड में मोहम्मद गजनी ने इन्वेड किया था सेकेंड टाइम अगेन कश्मीर। लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम पे विंटर की वजह से मतलब वो मजबूर हो गया बेचारा पीछे हटने का, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 1099 AD में क्या हुआ, व्हेन हर्षा वॉज द किंग ऑफ कश्मीर, जब हर्षा किंग थे उस टाइम पे एक बहुत बड़ा फैमीन जो था वो कंट्री में हुआ, यू कैन से मतलब फ्लड, जिस वजह से फ्लड ने क्या किया कि जितनी भी क्रॉप्स थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी, और उसके बाद एक फैमीन, एक अकाल जो था वो पड़ गया, जिसकी वजह से लोगों की हालत जो थी उस टाइम पर बड़ी ख़राब हो गई, ठीक है। और फेमस हिस्टोरियन जो थे कश्मीर के, कल्हाना पंडित, आई सैड टू हैव लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन, ओके। तो मतलब जो कल्हाना है, जो कि फेमस हिस्टोरियन जिनको कहा जाता है कश्मीर के, वो किनके टाइम पीरियड में थे, वो जय शिमा के टाइम पीरियड में थे, ठीक है। वो इनके टाइम पीरियड में मतलब जिंदा थे, या यू कैन से वो इनके टाइम पीरियड में रहते थे। ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं, अगर ये बीच वाला मे भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये मोहम्मद गजनी वाला पोर्शन हो गया, कल्हाना वाला इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट किंग रहे हैं लाहौर डायनेस्टी के, वो थे वनीत देवा, जिनकी डेथ हुई थी 1171 AD में। और फाइनली जिस वजह से ये जो उत्पाला और लाहौर डायनेस्टी थी, इसका एंड हो गया। ओके, सो गाइज, ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर। सो फाइनली हम नेक्स्ट, कोशिश करूँगा मैं एक ही लेक्चर में कंक्लूड कर दूँ। अगर लेक्चर लंबा हो गया तो मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट करूँ, क्योंकि लंबे लेक्चर सुनने का दिल नहीं करता, सीधी सी बात है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ छोटे लेक्चर, जिसमें मतलब एक एक बहुत जल्द से कुछ चीज़ें दिमाग में बैठ जाएँ। इसलिए मेरा मेन मकसद जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूँ नेक्स्ट। अगर नहीं हुआ तो मैं दो लेक्चर बनाऊँगा, दो लेक्चर में ख़त्म कर दूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।